नमस्कार दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अपने घर होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है, जो हमने चैप्टर शुरू किया है नया, वो है अनुपात और समानुपात। दोस्तों ये जो चैप्टर है वो मैथ का 25% भाग सॉल्व करवाता है, यानी कि ये जो चैप्टर है मैथ के, अगर हम चार स्तंभ बनाए यानी कि चार पार्ट करें तो उसमें से 25% हिस्सा केवल इसी का है। 25% आपका परसेंटेज का है, 25% आपका रेशियो प्रोपोर्शन का है और बाकी जो 25% है 50% है वो अलग है। यानी कि हम ये कहें कि परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात को अगर आप सॉल्व करना सीख गए तो आप आधा मैथ सीख जाओगे। ठीक है दोस्तों, मैथ का ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें ये ना आया हो। कोई भी आप देख लीजिए, अंकगणित तो उठा के देख लीजिए आप, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें ये दोनों शामिल ना हो। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हमारा इसी पे है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है तो इसलिए हमने ये चुना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, और हाँ कमेंट करना नहीं भूलना है, आपका जो कमेंट है हमें आगे के लिए और बेहतर बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले समझ लें कि अनुपात समानुपात कहते किसे हैं। सीधे सवाल हम कराए देंगे आपको, एक वीडियो और एक्स्ट्रा बन जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं है। 5 वीडियो बननी है, 6 वीडियो बन जाएंगी। ठीक है, पहले समझ लें इस वीडियो में कि आखिर क्या होता है अनुपात और समानुपात। तो बात करते हैं पहले अनुपात की। किसकी? अनुपात। दोस्तों अनुपात का सीधा सीधा मतलब होता है बट्टा, आप इसे भिन्न भी कह सकते हैं। बट्टे, ये वो वाला बट्टा नहीं है डिस्काउंट वाला, ये वो वाला बट्टा है भिन्न वाला। और एक हिस्सा, अगर आप साधारण भाषा में समझें तो इसको हिस्सा भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर परिभाषा की बात करें तो अनुपात की परिभाषा होती है दो सजातीय, यानी कि दो सजातीय राशियों के तुलनात्मक अध्ययन को अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अनुपात कहते हैं ठीक है दोस्तों, यहां से क्या समझे, पहले एक एक वर्ड देखो। दो, यहां पे एक चीज हो रही है, दो या दो से अधिक, दो से अधिक, दो या दो से अधिक राशियों के तुलनात्मक अध्ययन को अनुपात कहते हैं। दोस्तों मैं अगर ये कहूं कि ये रेखा बड़ी है, तो हम किसी की भी जब हमें तुलना करनी है तो हमें चाहिए दो या दो से अधिक। अगर मैं ये कहूं केवल मैं बड़ा हूं, तो अगर मैं आईने में देखता हूं तो केवल मैं बड़ा दिखता हूं। अगर मेरे सामने कोई और मुझसे बड़ा दिख जाता है तो वो मुझसे बड़ा हो गया, उससे बड़ा भी कोई होगा। यानी कि हमें तुलना करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। फिर बात करते हैं सजातीय की। दोस्तों तुलना हमेशा एक चीज, यानी क्वालिटी एक चीज लेनी पड़ेगी। हम अगर बात करें तो लंबाई की तुलना हम वजन से नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि वो इतना लंबा है और वो इतना मोटा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम जो तुलना करते हैं उसके लिए एक क्वालिटी लेनी पड़ती है। लंबाई की तुलना मोटाई से नहीं कर सकते, लंबाई की लंबाई से कर सकते हैं, वो इतना लंबा है वो इतना लंबा है, लेकिन लंबाई से तुलना मोटाई की नहीं कर सकते। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ गया ना? दूरी की तुलना दूरी से होगी, वजन की तुलना वजन से होगी, समझ में आ रही है ना? तो उसी, यानी कि हमें तुलना करनी है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? चलिए
अब जैसा कि मैंने दूसरा वर्ड लिया बट्टा, दोस्तों हम लिखते हैं बट्टे को, यानी अनुपात को लिखते हैं 2:3। तो इसमें क्या समझे, इसे मैंने बताया, इसे बट्टा भी कहते हैं, इसे भिन्न भी कहते हैं। तो भिन्न कैसे लिखते हैं, 2/3, जो पहले आया वो पहले, जो बाद में आया वो बाद में आएगा। तो इसे इस रूप में भी लिखा जा सकता है, समझ में आ रहा है, इसीलिए इसे बट्टा या भिन्न भी कहते हैं। और दोस्तों आपका बात जारी होगी हिस्से पे कि हिस्सा कैसे कहते थे। दोस्तों एक कोई माँ है, उसने एक अपनी लड़की को, यानी कि लड़की को और एक लड़के को, लड़के को दी, लड़की को दी 10 ट्रॉफी, लड़के को दी 15 ट्रॉफी। तो इनका क्या हुआ, बंटवारा हुआ, हिस्सा हो गया। तो इनके मांसा से, यानी इन दोनों के मांसा से इनको काट दिया जाता है, यानी कि सबसे छोटा रूप होता है अनुपात। तो क्या करेंगे, 5 से कट रहा है, 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15। तो लड़की और लड़के का हिस्सा क्या हुआ, उस पे दो हिस्से आए और इस पे 3 हिस्से आए, हिस्सा हो गया ना। तो यही क्या है, हिस्सा है, यही तुलना है, यही तुलना है कि उसे कितनी मिली और इसे कितनी मिली। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। आज का जो वीडियो हमारा केवल इसके परिचय पे है, अगले वीडियो में हम सवालों की स्टार्टिंग करेंगे, पहले हर चीज को समझ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। हम बनाते हैं हिस्सा करने के लिए एक चीज और आप उदाहरण समझ सकते हैं, हम चाय बनाते हैं तो चाय में चाय पत्ती कितनी है, चाय पत्ती 2 चम्मच है, और चीनी कितनी है, चीनी आपकी 8 चम्मच है, कितनी 8 चम्मच। तो अनुपात क्या हुआ, अनुपात हुआ 1:4 कहा जा सकता है। दूसरा आप एक उदाहरण समझ लिए, यानी कि दूध और पानी, हमने दूध और पानी, दूध था उसमें 1 लीटर, पानी डाल दिया उसमें 250 ग्राम, कितना 250 ग्राम। तो कैसे होगा, 1 250 ग्राम के 4 पार्ट बनते हैं 1 लीटर, तो कितना हो जाएगा 1:4। समझ में आ गया ना, सारी चीज क्लियर है ना। चलिए बात करते हैं आगे। अब दोस्तों जैसे कि सवाल आता है, छोटा भिन्न कह लो या छोटा अनुपात कह लो, 4 आपको अनुपात दे दिए जाए, कितने 4 अनुपात दे दिए जाए, जैसे 1/2, 3/5, 5/8, ठीक दोस्तों, ये आपको अनुपात दे दिया है। अब आपसे पूछा जाए कि कौन सा अनुपात बड़ा है, कौन सा अनुपात छोटा है। अब इसमें अनुपात में लिख सकते हैं कि 1:2, 3:5 और 5:8। मैंने बताया कि अनुपात को बटे में भी लिख सकते हैं, भिन्न में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, हमें इनकी तुलना करनी है, तो तुलना करने के लिए सीधा करना क्या है, आपको तुलना करने के लिए आप 1 या 1 से अधिक भी, 1 0 बढ़ा दीजिए या आप 2 0 भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, 1 0 से हमारा काम चल जाता है। तो कितना 2 से काटेंगे 5, कितना 6, कितना 8 × 5 = 40 और 8 × 6 = 48, 6 point कुछ, 6 point कुछ, यानी कि ये हो जाएगा 6 point कुछ। तो यहां क्या समझा हमने दोस्तों, ये 5 है, ये 6 है और ये 6 point कुछ, कितना है 6.25 मान लो आप, ठीक है। तो यहां समझ में क्या आया हमारे कि ये इससे ज्यादा है, तो बड़ा कौन सा हो गया ये, अगर इसी में छोटा पूछा जाए तो छोटा हो जाएगा ये, यानी कि छोटा भिन्न या छोटा अनुपात हम पता कैसे कर सकते हैं, केवल 1 0 के माध्यम से, ठीक है ना, समझ में आया ना दोस्तों। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम। तो एक वर्ड आता है मिश्रानुपात, मिश्रानुपात यानी कि मिश्र और मिश्रों का मिक्स अनुपात, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, अनुपात दिए जाते हैं, यानी मान लीजिए आप 2:3, 5 दूसरा आया आपका 5:7, तीसरा आपका आ जाएगा 8:14 2 14:8,
ठीक दोस्तों, ये कोई 3 अनुपात है। अब आपसे पूछा जाएगा इनका मिश्रानुपात क्या हुआ, तो करना क्या है आपको, करना बस ये है कि पहले इनको बटे में लिखना है, बटे में जो पहले है वो पहले आएगा, ठीक है ना दोस्तों। ये कितना हो जाएगा 2/3, समझ आ रही है ना, 2/3, ये कितना हो जाएगा 5/7, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14/8, ठीक है दोस्तों। पहले इस प्रकार से हमें लिख लेना है, फिर क्या करना है दोस्तों, इनका आपस में हमको कर देना है गुणा, जो अब जो आएगा वो मिश्रानुपात होगा। तो कैसे कर सकते हैं दोस्तों, कोई चीज कट रही है 2 से 8 कट रहा है, 2 से 8 कटा हमने 4, 7 से कट रहा है 2 बार, 2 से कटा है 4 2 बार, और कोई है नहीं है, तो बचा क्या, यहां कुछ ना बचा 5, तो ऊपर क्या बचा दोस्तों, ऊपर बचा आपका 5, नीचे क्या बचा 3 और 2, 3 और 2 कितना, 3 × 2 = 6, तो आपका मिश्रानुपात आया दोस्तों 5/6, समझ में आ गया ना, ठीक है ना, अब आ गया ना, ठीक। अब दोस्तों देख लेते हैं अनुपात के रूपों के बारे में, यानी कि हमें हमें देखना है किसके बारे में, अनुपातों के, अनुपातों का रूप, यानी कि हमें कई रूपों में अनुपात दिखाई देने को, पहले समझ लेना कि यहां हमें एक नजर में पड़ जाए कि हाँ अरे ये तो अनुपात है, ये तो अनुपात है, इसे तो हम पहचान गए, तो इसके कई रूप हैं। आपको जैसे मैंने बताया कि दो सजातीय होंगी, यानी कि अगर चर और अचर का होता है तो सब अचर होंगे या सब अचर होंगे, ठीक है दोस्तों। अगर चर चर के साथ चर की तुलना होगी और अचर के साथ अचर की तुलना होगी, तो अगर हमसे पूछा जाए, हमसे पूछा जाए मान लो ए अनुपात बी आपको दिया है 2:5, ठीक है दोस्तों, हमें दिया है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ए का कौन सा और बी का कौन सा है, तो यहाँ पे क्या है, जो पहले आया है उसका पहला और जो बाद में आया उसका बाद वाला, ठीक दोस्तों, जो पहले आया है उसका पहला वाला, जो बाद में आया है उसका बाद वाला रूप होता है, समझ में आई ना, ठीक है, आगे समझ लेते हैं दोस्तों। इसी में आता है कि 4a बराबर है 5b के। दोस्तों एक वर्ड आता है समानुपात, समानुपात, ठीक है, तो समानुपात का मतलब होता है बराबर, इसका जो प्रतीक होता है, जो चिन्ह होता है वो होता है 4 डॉट्स, यानी कि 4 बिंदी, तो आप 4 बिंदी की जगह बराबर लिख सकते हैं या 4 डॉट्स लिख सकते हैं। ये आया दोस्तों, इसमें क्या होगा, जो ये वाला होगा वो इसका मान होगा, यानी जो इसके गुणा में वो इसका मान और जो इसके गुणा है वो इसका मान, ठीक है दोस्तों, एक ये रूप हो गया, समझ आई ना, एक ये रूप हो गया। इसी क्रम में दो एक और रूप हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, हम कहते हैं 2/b बराबर 2/5, 2/5 आप साथ कर लीजिए। अब यहां कौन सा, यानी कि कौन किसका साथी है, कौन किसका दोस्त है, कौन किसका अनुपात है सीधे तौर पर, तो यहां क्या होगा, यानी ए का मान होगा 2 और बी का मान होगा 7, समझ में आई, ए का मान होगा 2 बी का मान होगा 7, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना, यानी कि हर रूप की हमें जानकारी होना जरूरी है, क्वेश्चन में कौन सा रूप हमें दे दिया जाए, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात एक और आता है, जब हमसे बोल दिया जाए a बटे में यहां पर हुआ 8 बराबर b/, यहां पर हुआ 13, ठीक है दोस्तों, तो अब a का मान कौन सा रहेगा, a का मान b नहीं रहेगा, a का मान b कतई नहीं रहेगा, a का मान होगा यहां पे 8 और b का मान होगा यहां 13, कितना, b का मान होगा यहां 13, समझ में आ रही ना बात, एक यानी एक रूप ये रहा हमारा, ठीक है दोस्तों,
एक रूप ये रहा हमारा, एक मैंने ये बता दिया आपको, अब कौन सा रह गया? हाँ एक और रह गया आपका, जो होता है कि ए बी का 7/8 है, एक ये रूप मिलता है आपको, ए बी का 7/8 है। तो दोस्तों का मतलब होता है गुणा, पहले मैं समझा चुका हूं उन चीजों को, नहीं पता तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं संख्या पद्धति वालियों को। तो ए का यानी कि ए जो है बी का 7/8 है, अगर इसे सरल भाषा में लिखें हम तो कैसे लिख सकते हैं, यानी कि ए बराबर बी, बी का मतलब गुणा 7/8। अब मैंने बताया जो इसके भाग में है वो इसके गुणा में आएगा, तो ये हो जाएगा 8a बराबर में 7b। तो दोस्तों पोजीशन कौन सी बनी, पोजीशन फिर दोबारा ये वाली बन गई। तो ए का मान कितना होगा यहाँ, ए का मान होगा यहाँ 7 और बी का मान होगा यहाँ 8। ठीक है दोस्तों, समझ में आई ना, यानी कि कोई भी हमें कोई भी जो है इसका रूप है सारे रूपों को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल हमें आंख देखते ही पहचान लिया ये तो अनुपात है, इसका मान ये होगा इसका मान ये होगा, समझ आ रहे हैं ना। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, एक और आता है दोस्तों लास्ट है इसका, मान ऐसे आता है दोस्तों कि ए जो है बी का, हमें कह दो 60% है, कितना है 60% है। तो दोस्तों या तो आप सीधा मैं बताऊं सीधी सरल भाषा में, यहां पे परसेंट का कोई रोल नहीं है, परसेंट को परसेंट से डिलीट कर देते हैं यानी काट देते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए अगर मैं लिखूं ए जो है क्या है बी का मतलब गुणा 60% यानी 60/100, तो यहाँ क्या होगा 0 से 0 और ये हो जाएगा 3/5। ठीक है दोस्तों, समझ में आए ना। तो 5 किधर चला जाएगा, इधर 5 किधर चला जाएगा, इधर, तो ये हो जाएगा 5a बराबर में 3b। तो a का मान 3 और b का मान 5, फिर से वो रूप आ गए, यानी कि ये सारे रूप हैं किसके, ये सारे रूप हैं दोस्तों अनुपात के, अनुपातों के रूप। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहे ना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है ले लिया। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, आज का जो है बेसिक नॉलेज का जो है वीडियो है हमारा, आगे हम सवालों को भी करवाएंगे कि इस इनसे जो अनुपात और समानुपात से कैसे सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि मैं वैसे वैसे सीधा सारा करवाता ही चला रहा हूं, जो भी है इसके बेसिक। दोस्तों बात करते हैं समानुपात की, किसकी, अभी वर्ड तो आया समानुपात। समानुपात का मतलब होता है दोस्तों कि दो जो अनुपातों की को आपस में बैलेंस करना, यानी कि दो अनुपातों की आपस में तुलना करना, तभी तो बैठेगा। मान लीजिए जैसे इसके रूप होते हैं, इसके दो रूप पाए जाते हैं, कैसे, दो या दो से अधिक हो सकता है भाई, तुलना करने के लिए दो या दो से अधिक चाहिए, एक की हम तुलना किसी नहीं कर सकते, एक हो चार हो पांच हो कहीं भी हो सकते हैं। इसमें दो फॉर्म बन लेती हैं दोस्तों, ए अनुपात बी, ठीक है, समानुपात सी अनुपात और डी, एक तो ये वाली। दूसरी बनती है दोस्तों ए अनुपात बी, समानुपात बी अनुपात सी, एक ये वाली बनती है, समझ में। अब ये अनुपात अलग है, ये अनुपात अलग है, ये अनुपात अलग है, ये अनुपात अलग है, लेकिन दोनों समान है। कैसे दोस्तों, मैं ये कहूं कि ए बी है हमारा 5/7, ठीक है, और सी डी है हमारा 25/35, तो क्या ये समान है आपस में, बिल्कुल समान है दोस्तों। कैसे, 5 से इसे काट दो, कितना 5/25, 5 से इसे काट दोगे 7, तो दोनों का मान कितना है 5/7 या 5/7,
समझ आई ना बात? चलिए ठीक है, ऐसे यहां ठीक है। अगर हमसे पूछा जा रहा है कि कोई संख्या है दो, ए बी का अनुपात है कितना, ए बी का अनुपात है हमारा 2:4, और वहीं हमसे पूछा जाता है कि बी सी का अनुपात है हमारा 4:8। तो यहां क्या देखो दोस्तों, हम देखते हैं तो 1/2 ये जो है इसका मान हो गया, 2 से काट देंगे तो ये 1:2 आ जाएगा, यहां 4 से काट देंगे तो 1:2 आ जाएगा फिर से आगे, ठीक है दोस्तों। यानी कि ये फॉर्म दो मिलती हैं हमें देखने को, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इनसे कुछ सवाल बनते हैं, क्या बनते हैं, सवाल बनते हैं। एक और बात बता दोस्तों कि अनुपात में घटाव और जोड़ होते हैं तो उनसे उनका रूप बदल जाएगा, लेकिन जो मान बदल जाता है, लेकिन अगर गुणा और भाग करते हैं अनुपात में, अगर हमें अनुपात को बढ़ाना हो तो हम अनुपात में किसी एक संख्या का गुणा कर देते हैं। मान लो 5:15 है तो यहां क्या कर सकते हैं, इसे 5 से भाग दे सकते हैं दोनों को, तो 5 से कटेगा, 5 से 5 और 5 दिया 15, ये हमने भाग की क्रिया की। अब मैं यही मैं कह रहा हूं कि 3:7 हो, अगर मैं इसके गुणा कर रहा हूं 4 का, तो गुणा मुझे दोनों में करना पड़ेगा, 3×4=12 और 7×4=28। तो मान वही है दोस्तों, मान वही है ठीक है, बस इसका रूप परिवर्तित हुआ है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रही ना सारी बात? चलिए अब दोस्तों पूछेगा कैसे, यानी कि अब हम समझ लेते हैं दो चीजें। हमने देखा यहां कि मैं कहता हूं 10, ये 20 और ये 30, ठीक है दोस्तों। तो क्या हुआ, हमें तीन मान दे रखे हैं, चौथा पूछा हुआ है, ये कोई सा भी हो सकता है, ये वाला 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 भी हो सकता है। अब इनके मान भी होते हैं, पहले नाम के नाम से देख लेते हैं, यानी कि इसे कहेंगे हम क्या, प्रथमानुपाती, प्रथमानुपाती ये जैसे नाम से है द्वितीय अनुपाती, द्वितीयानुपाती, ऐसे ये कौन सा है, यह तृतीयानुपाती, और ये कौन सा है आपका, ये हो जाएगा चतुर्थानुपाती, ठीक है दोस्तों। तो आपसे पूछेगा, आपको तीन मान दे देगा, ए बी सी का दे देगा या डी सी बी का दे देगा, और कोई एक पूछेगा आपसे, पूछेगा आप। अब यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि ये तीन है, ये अनुपात ये है, तो ये अनुपात क्या होगा, यानी कि चतुर्थ आपको निकालना है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, इसमें सीधा है कि अंदर अंदर वालों का बाहर गुणा और बाहर बाहर वालों का गुणा, यानी कि मैं कहूं कि ए अनुपात बी समान अनुपात बी नहीं सी अनुपात डी हो, तो करना क्या है, अंदर बाहर बाहर वालों का गुणा और अंदर अंदर वालों का, इसे लिख सकते हैं कैसे, इसे लिख सकते हैं एडी एडी बराबर कितना बी सी, ये रूप दोस्तों अनुपात का ही है। तो करना क्या है, अंदर अंदर वालों का गुणा और बाहर बाहर वालों का गुणा, ठीक है दोस्तों। दूसरे रूप में समझ लीजिए कि ये क्या है, बटे में है, तो हम कैसे लिखते हैं, 10/20 बराबर 10/20, और इसे भी ऐसे लिखते हैं 30/x। तो दोस्तों करना क्या होता है, जब बीच में बराबर का चिन्ह हो, ठीक है दोस्तों, जब बीच में बराबर का चिन्ह हो तो क्या होता है, क्रॉस गुणा हो जाता है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना, जब बीच में बराबर का चिन्ह हो तो क्रॉस गुणा आपस में आपको पता ही होगा क्रॉस गुणा हो जाता है, तो किसका 10x और बराबर हो जाएगा 20×30। दोस्तों यहां गुणा करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती, तो ये हो जाएगा x बराबर कितना 20×30/10, 0 से 0 गए कितना 20 दिया 60,
समय अब मान चेक करके देखिए, अगर मैं यहाँ 60 रख दूं तो कैसे होगा, 0 से 0 1:2, 0 से 0 3:6 का मतलब 3 × 1=3 और 3 × 2=6 हो गया। यानी कि ये कौन से हैं, ये आपस में समान है। ठीक है दोस्तों, समझ में आए ना। आगे हम और एग्जांपल करते चलेंगे, केवल हम आपको ये बेसिक जो जानकारी है अनुपात और समानुपात की, उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये एक स्टेप के आते हैं, हमसे पूछा जाता है यानी कि ए और सी का मान दे रखा हो, बताइए बी का मान कैसे होगा। तो यहाँ क्या होता है दोस्तों, वही वाला है कि अंदर अंदर वालों को गुणा और बाहर बाहर वालों को गुणा। तो होगा क्या दोस्तों, ये हो जाएगा 2 × 8 बराबर b × b। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या, अगर एक b की वैल्यू निकालनी तो क्या करेंगे, रूट कर देंगे। ये होता है b का स्क्वायर, तो इसका रूट करेंगे तो b का मान आ जाएगा। तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर बराबर कितना, 16, और 16 को आप जानते हैं कितना होता है, बी बराबर 4, यानी 4 × 16। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से पूछा जाता है आपसे क्या, इसी प्रकार से पूछा गया आपसे क्या, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, तो यहां पूछा गया आपसे कि ये तो 9 है और ये 16 है। ठीक है दोस्तों, ये 9 है ये 16 है, तो बी का मान आप बताइए। तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है बी स्क्वायर होता है और ये दोनों का गुणा करना है, यानी कि 9 × 16। तो दोस्तों हमें करना रूट करना है, रूट के अंदर इनका जो मूल जो वो है वर्गमूल निकाल लेना है। तो इनका वर्गमूल यहां से आ जाएगा कितना, 3, 9 का 3 और 16 का 4, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 12। अब क्रॉस चेक कर सकते हैं कि 16 नंबर होते हैं शायद 144, 16 × 144। अब इसका हमें ये हो जाता है बी का स्क्वायर, तो बी कितना आ जाएगा, आपको पता है कितना, 144 किसका स्क्वायर है, यह है 12 का, तो यानी इसका 12 और इसका 12। ठीक है दोस्तों, ऐसे और भी कर सकते हैं, तो आप करके देखिएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना, ये थी इसकी बेसिक क्लास, कल से हम बात करेंगे सवालों पे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना। तो जिन लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ कमेंट करना ना भूले, कमेंट से यानी कि आपकी कमेंट हमें बेहतर से और बेहतर बनाती जा रही है। आपकी जो भी है शिकायतें हैं सुझाव हैं वो आप हमें हमारे पास भेजिए, कोई भी सवाल है आप हमारे पास भेजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसे आप तक सही तरीके से पहुंचाने की। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में जो भी आपकी प्रतिक्रिया है क्रिया है वो आप जरूर दें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।